इनकी तो जितनी भी बातें होती है ना, जो बोलते हैं समझो उसका उल्टा ही होने वाला है। ये जब सांसद बने और जब संसद में आए, पुरानी संसद में तो मत्था टेका था सीढ़ियों पे, और इन्होंने सिस्टम है जिस तरीके से सरकारों को तोड़ करके, जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां या तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं या अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं। उसका मतलब ये है, एक तरफ ईवीएम, एक तरफ प्रशासन, उसको इस्तेमाल करके ये कॉन्फिडेंस के साथ 370 और 400 पार का ये नारा दे रहे हैं। और एक बड़ी हताशा है ये प्रधानमंत्री के बिल्कुल जैन में, जिस तरह चंडीगढ़ में इनकी बेईमानी पकड़ी गई, उसी तरीके से अब ये संसद में अगर एक प्रधानमंत्री बयान देता है तो इसका मतलब वो उसकी हताशा निराशा दिखाई दे रही है और एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ईवीएम हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट क्यों जाओ भाई, आपने क्यों नहीं सुना? तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े डायलॉग तो मारे केसों के अंदर, मगर कोई ऑर्डर नहीं दिया है कुछ। भाजपा 370 पार करेगी और एनडीए जो है 400 पार करेगी, इतना कॉन्फिडेंस चुनाव से पहले कैसे? देखिए ईवीएम तो कॉन्फिडेंस है, ईवीएम है, सिस्टम है जिस तरीके से सरकारों को तोड़ करके, जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां या तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं या अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं। उसका मतलब ये है, एक तरफ ईवीएम, एक तरफ प्रशासन, उसको इस्तेमाल करके ये कॉन्फिडेंस के साथ 370 और 400 पार का ये नारा दे रहे हैं। और एक बड़ी हताशा है ये प्रधानमंत्री के बिल्कुल जैन में, जिस तरह चंडीगढ़ में इनकी बेईमानी पकड़ी गई, उसी तरीके से अब ये संसद में अगर एक प्रधानमंत्री बयान देता है तो इसका मतलब वो उसकी हताशा निराशा दिखाई दे रही है और एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है ईवीएम पर और प्रशासन के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है, जिस तरीके से जेल जाना पसंद किया मगर बीजेपी के सामने झुके नहीं, जिस तरीके से आदिवासियों ने मूव किया है झारखंड में, और जिस तरीके से बिहार में आरजेडी ने जिस तरीके से इनके साथ अब वो लड़ाई लड़ी है, तो अपने आप में एक यूनिक बात है। क्योंकि लड़ भी रहे हैं लोग डर रहे हैं तो लड़ भी रहे हैं, और ये हमेशा से होता है हर एक उसमें, कि चाहे जितना दमन कर ले कोई भी सरकार कोई भी, तब तक लेकिन उसमें लड़ाकू लोग भी होते हैं, कुर्बानी देने वाले भी होते हैं, और उन्हीं की वजह से शायद आज इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र ये स्थापित हुआ है। देखिए एक बड़ा बयान आता है डीवाई चंद्रचूड़ का, जिस तरीके से मेयर इलेक्शन को लेकर के चंडीगढ़ का, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आती है, कहती है कि लोकतंत्र का मजाक बना के आपने रखा, ऐसे नहीं चलेगा देश, क्या कहेंगे ऐसी टिप्पणी को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है इनकी दादली को लेकर। नहीं देखिए, हमारे चंद्रचूड़ साहब ने सिर्फ अभी तक टिप्पणियां ही की हैं, तल्ख टिप्पणियां ही की हैं, जितने भी केस आए चाहे वो शिवसेना का हो महाराष्ट्र का, उसमें भी टिप्पणियां तो बड़ी बड़ी करी थी, और भी कई केस हैं और इसमें भी टिप्पणी करी है, लेकिन इसमें स्टे नहीं लगाया, उस पर रोक नहीं लगाई कि जो अभी बनाया गया वहाँ पर मेयर बनाया है उसका तुरंत स्टे कर दिया जाए जब तक कि ऑर्डर ना हो। उस पर मीटिंग के लिए स्टे हो गया कि मीटिंग नहीं हो? नहीं, मीटिंग नहीं, क्यों बना हुआ है ना वो, खाली मीटिंग ही तो नहीं होगी, बाकी चीजें तो होंगी ना। और दूसरी बात ये कि आपने जिस तरीके से वो दस्तावेज मंगाए लेकिन आपने ऑर्डर नहीं किया कि उस अधिकारी के ऊपर केस दर्ज हो, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है सिर्फ तल्खियां, आपको टिप्पणियां करने से नहीं होगा, आपको कुछ ऑर्डर भी देना पड़ेगा। और चंद्रचूड़ साहब ने अभी तक ऐतिहासिक टिप्पणियां तो करी हैं जब से ये बने हैं, लेकिन ऐतिहासिक कोई निर्णय नहीं दिया है किसी भी तरीके से, इसमें सोचना होगा। अच्छा देखिए एक छोटा सा सवाल है कि जब मेयर के इलेक्शन में ऑन कैमरा ये चोरी पकड़ी जाती है, किस तरीके से बैलेट खराब किए जाते हैं, तो क्या नहीं लग रहा है कि 24 का चुनाव जिस तरीके से विपक्ष करे कि भाई ईवीएम में धांधली होगी, तो धांधली तो बड़े चुनाव में भी संभव हो सकती है अगर छोटे में पकड़ा गया तो? नहीं नहीं देखिए, ये तो कुल मिलाकर के 36 पत्र थे ना, उसमें तो कर सकता है, लेकिन जहाँ 10 लाख पत्र होंगे उसमें कितने ईवीएम खराब वो करेंगे, बैलेट खराब करेंगे? देखिए इनको मौका मिल गया है, जो ईवीएम के पक्षधारी लोग थे कि ये देखो ये तो वैलेट से था और वैलेट में भी ये गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये तो सिर्फ 36 ही थे भाई, ये प्री प्लानिंग था और इसको दिखाना, मुझे लग रहा है इसको दिखाना भी प्री प्लानिंग था कि लोगों का विश्वास वैलेट से खत्म हो जाए और ईवीएम पे दोबारा आ जाए, इससे तो ईवीएम ही ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लोगों में भरोसा जगाना कि सुप्रीम कोर्ट जिंदा है? यस, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, उसको दिखाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं करा। हेमंत सोरेन का मैटर उसके सामने आया, उन्होंने कह दिया जाओ हाई कोर्ट जाओ, अरे क्यों जाओ, ये लोकतंत्र पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, आर्टिकल 32, बाबा साहब ने कहा था जब संविधान बनाया, बाबा साहब ने कहा था पूरे संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32,
और उस अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुनवाई करनी होगी। आपने नहीं किया, तीन उसकी बेंच बनी 3 जजों की, और वो कह रहे हैं कि जाओ हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट क्यों जाओ भाई, आपने क्यों नहीं सुना? तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े डायलॉग तो मारे केसों के अंदर, मगर कोई ऑर्डर नहीं दिया है कुछ तरह का। आता है लोकतंत्र की बात, अगर हम बात करें तो इसी संसद के अंदर मोदी जी कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। वही अगर हम बात करें झारखंड की सरकार को देखिए, बिहार की सरकार जिस तरीके से टूटी, और बड़ी खबर आ रही है कि भाई जिस तरीके से शरद पवार के हाथों से पार्टी भी चली गई, तो लोकतंत्र रहेगा नहीं, बचेगा ही नहीं। और आप कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष को रहने कहाँ दे रहे हैं? देखिए इनकी तो जो मौजूदा सरकार है, खासतौर पर मोदी जी, इनकी तो जितनी भी बातें होती है ना, जो बोलते हैं समझो उसका उल्टा ही होने वाला है। ये जब सांसद बने और जब संसद में आए, पुरानी संसद में तो मत्था टेका था सीढ़ियों पे, और इन्होंने 2 साल 4 साल होते होते वो बेचारी संसद ही पलट दी। इन्होंने लाल किला, नकली लाल किला बना करके इन्होंने भाषण दिए थे 2014 में, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। जब ये प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले बेचारा वो लाल किला ही बेच दिया और डालमिया को दे दिया टेके पे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। पिछले 15 अगस्त पे इन्होंने महिला सम्मान में बहुत सारी बातें बोली, और ये लाल किले के से नीचे भी नहीं उतरे थे कि जो वो महिला थी, मुस्लिम महिला, उसके कातिलों को छोड़ दिया गया शाम आते आते। तो ये जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना चाहिए मजबूत। तो आज तक आप तो नेता सदन आपने विपक्षी आज तक बनाया ही नहीं है। अभी तक आपने जो भी विपक्ष के जरूरी चीजें थी वो नहीं करी, और दूसरी बातें ये हैं कि आपने जो विपक्ष की सरकारें थी उनको तोड़ने की कोशिश लगातार की है, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, गोवा का मामला हो, चाहे वो अभी मौजूदा झारखंड और वहाँ बिहार का मामला हो। आप विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेलों में भेजने का क्या मतलब है? विपक्ष के विपक्षी भ्रष्टाचारी है, हम कह रहे हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार पर अटैक करो, मगर आपके अंदर जो अजीत पवार जी हैं 75,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में, वो एक दिन आप कहते हो जेल भेजेंगे, दूसरे दिन आप उसको डिप्टी सीएम बना देते हो। और इसी तरह के सिंधे, जो महाराष्ट्र के सिंधे 46 जो गुंडे थे भ्रष्टाचारी, वो छोड़ के शिवसेना छोड़ करके आपके पास आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल, आपने कहा कि शिवसेना के विधायक छोड़ करके शामिल होते हैं, एक बड़ा सवाल आता है, कल उत्तराखंड में UCC लागू किया गया, उसमें एक आया कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा बवाल मचा है कि भाई लड़के लड़की अगर साथ रहेंगे तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर उनको लिखित में देना पड़ेगा कि साथ में हैं, अगर उनसे आप ब्रेकअप करते हैं तो फिर सरकार को बताना पड़ेगा कि साथ में है। कानून लिव इन रिलेशनशिप के लिए आता है, तो देश में क्या एक कानून इन विधायकों के लिए भी आना चाहिए कि आपकी भी मोहब्बत पार्टी से अलावा अगर किसी से होगी तो भाई FIR होगा? नहीं देखिए, वो कानून तो है, दल बदल कानून तो है, लेकिन उसमें क्या है, 50% अगर पार्टी के लोग टूट करके जाएंगे तो उनके ऊपर दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो हाँ, सवाल ये जो आपने कहा FIR दर्ज हो, वो नहीं है, वो और ऐड हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें 50% लोग, जैसे शिवसेना में 50% से ज्यादा विधायक टूट के गए, इसलिए वो अयोग्य नहीं घोषित हुए। ठीक है जी, यही तो सवाल है कि लिव इन रिलेशन पर अगर कानून बन सकता है कि भाई मोहब्बत सरकार की निगरानी में होगी, तो विधायक भी तो सरकार की निगरानी में होने चाहिए, कानून आना चाहिए उसके लिए भी। देखिए ये तो बड़े अफसोस की बात है कि जो सरकार अपने आप को एक धर्म विशेष का और एक संस्कृति की बात करती है, वो लिव इन रिलेशन पर कानून लेकर के आ रही है, वो एक अजीब बात है। कोई और दूसरी धर्मनिरपेक्ष सरकार या दूसरी कोई जो प्रोग्रेसिव कहती है अपने आप को, वो लाती तो बात थी, वो सरकार जो कहती है नहीं जी धर्म कड़ाई से लागू हो, वो इन सब चीज़ों पर कानून ला रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि UCC में वो कानून नहीं है, कानून इन्होंने जो अभी पीछे जो 14 बिना विपक्ष के 14 कानून पास करे, जिसमें 3 क्रिमिनल एक्ट पास करे, उसमें उन्होंने उसका प्रावधान किया है लिव इन रिलेशनशिप, इसलिए क्योंकि जो झूठे मुकदमे महिलाएं साथ में रह के आदमी के वर्षों वर्ष रह के झूठे केस लगा देती थी रेप के बलात्कार के, उससे बचने के लिए उन्होंने कहा अगर आपको सहमति से लिव इन रिलेशन में बालिग स्त्री पुरुष को रहना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, और फिर उसके बाद जब तोड़ना है तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कि कह रहे हैं कि भाई चुनाव अब 3 महीने का समय बचा है, CA को लेकर के केंद्र के मंत्रियों के बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे, जो राज्य मंत्री स्तर के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनके बयान आ रहे कि बहुत जल्दी कमिंग सून CA, क्या लग रहा है भाई चुनाव से पहले CA क्यों?
देखिए सीए इसलिए क्योंकि ये अपने जो देखिए इन्होंने जो मंदिर बनाया उससे जो इनको जो उम्मीद थी जिस तरह से वो उसको मिलने की हिंदूवादी जो वोट मिलने की समर्थन मिलने की वो पॉलिटिकल गेन वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है अभी, और इसीलिए सीए को अब ये लाना चाहते हैं क्योंकि इससे मुस्लिमों के प्रति जो उसके अंदर एक वो है ये जो इन्होंने निर्देशन डाल दिया कि भाई ये मुस्लिमों के प्रति खिलाफ है तो उसको हिंदूवादी इसको सपोर्ट करें इसलिए सीए को भी ये टेस्ट कर रहे हैं ला करके ये पुराना बिल्कुल ये ला रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा था कि करंट उन्होंने अमित शाह जी ने दिल्ली के चुनाव में कि बटन ऐसा दबाओ कि करंट वहां पर लगे वो वहां पर कौन सा मुस्लिम इलाका है एनआरसी प्रदर्शन चल रहा था उसमें लगे तो इस तरीके से उसको ये शाहीन बाग में हर तरह का ये वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो सब चीज अब ये हिंदूवादी जो हिंदुओं का वोट लेने के लिए हर वो तिकड़म लगाएंगे जो कि धर्म का भगवान का मंदिर का सीए का और उसका शमशान का या जो भी सारे जो तिकड़म पुराने लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सरकार की हताशा दिख रही है। जब प्रधानमंत्री भरे लोकसभा में कह सकते हैं कि 370 और 400 पार, इसका मतलब पार्टी पूरी तरह निराशा में है और उसी के चलते इन्होंने बिहार पर अटैक करा, उसी के चलते झारखंड पर अटैक करा, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये पूरी तरीके से चाहे ये ईवीएम को चला लें चाहे प्रशासन को इस्तेमाल कर लें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।